आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, हमारी विदेश नीति में बदलाव किए जाने की बात की जा रही है। एक बात आप लोग भी हमेशा याद रखिए, आप सोचें कि 1947 के पहले, या फिर आप सोचें कि 1947 यानी कि 21वीं सदी के पहले के कोई भी नियम कानून अभी भी लागू किए जाएं, तो मुझे लगता है ये संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं तब परिस्थिति अलग थी, अब परिस्थिति अलग है। आज आप नेपाल को ले लीजिए, और भी आप अपने पड़ोसियों को ले लीजिए, हम लोगों ने, आपने देखा है कि कोरोना महामारी में भी हम लोगों ने काफी इनकी मदद की है, और आज देखिए ये चीन की जाके गोद में बैठ चुके हैं, और ये इस तरह की भाषण दे रहे हैं, मतलब कि चाइनीज वायरस, जो चाइनीज वायरस है, कोरोना वायरस, ये इससे खतरनाक भारतीय वायरस है। कहा जा रहा है कि मेरे यहाँ भारत कोरोना का प्रसार कर रहा है, फैला रहा है, तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि विदेश नीति में बदलाव किया जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि अब आपको लगता है कि गांधी जी वाला वो कि एक किसी ने एक चांटा गाल पे दिया, दूसरा आप कर दीजिए, तो मुझे तो लगता है कि अब दूसरे पर भी जड़ देगा। ये समय बदल चुका है, समझ रहे हैं? यहाँ हर तरह से अपनी विदेश नीति को, चाहे आपने देखा है कई कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, और मैं तो कहता हूं बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये, क्योंकि परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। हम लोग अंग्रेजों के जमाने के कई नियम कानूनों को मान रहे थे, उन्हीं रास्तों पर चल रहे थे, उन्हें फॉलो कर रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ठीक है। अभी आपने देखा है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा है कि भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन का तत्व यानी कि एलिमेंट एक विशेष कार्य एवं संदर्भ में ही प्रासंगिक था। भारत अब गुट निरपेक्षता से आगे निकल गया है, ये आंदोलन एक खास दौर के लिए था, अब भारत एक अलग दौर में है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि अब बदलाव करने की वो संकेत दे रहे हैं, ठीक है? उन्होंने कह दिया कि एक गुट निरपेक्षता दी जो नेम था, एक कुछ खास समय के लिए था और तभी तक ये प्रभाव में था, प्रभावकारी भी था, लेकिन अब इसमें अलग भारत अलग दौर में आ चुका है, स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है, तो इसमें भी बदलाव की ओर एक तरह से संकेत दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और मेंस में कई बार क्वेश्चंस लिखने को आ जाते हैं, और कई ऐसे प्रमुख आपके आंकड़े भी मिलते हैं जो ये डालने के लिए हो जाते हैं आंसर राइटिंग में, या आप लोग फिर निबंध लिख रहे हैं वहां भी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व धीरे धीरे मुख्यतः दो गुटों में बट गया। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश सोवियत संघ कर रहा था। आज जिसे आप लोग रूस कहते हैं ना, ये पहले क्या हुआ करता था, सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 में आप देखते हैं कि शीत युद्ध खत्म होता है और आप देखते हैं कि रूस बन जाता है, ठीक है? और आज भी आप कहा जा रहा है ना कि द्वितीय शीत युद्ध की ओर स्थिति बन रही है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं चाइना, दूसरी तरफ कौन है, अमेरिका, तो ये परिस्थिति खड़ी कर रहा है। इन दोनों गुटों की प्रतिद्वंदिता को शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के युग से जाना जाता है। शीत युद्ध का दौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू होकर सोवियत संघ के विघटन यानी कि 1990-91 तक चलता है। 1940-50 के दशकों मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक पटल पर कई देश उपनिवेशवाद की दास्ता से स्वतंत्र हुए थे। भारत भी इस श्रेणी में शामिल था, क्योंकि भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश उपनिवेश से 1947 में स्वतंत्रता मिली। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जापान पर परमाणु बम भी गिराए गए थे, इस समय उसी के साथ लगभग खत्म हो जाता है, और भारत भी, और कई को देखेंगे आप लोग कि क्या होता है कि ये नए नए आजाद हुए थे सभी देश। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होड़ लगी हुई थी उस समय, ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने अपने गुटों में शामिल किया जाए, किंतु उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए नवीन देश किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यदि किसी ग्रुप में शामिल हुए तो वो वे किस सैन्य संघर्ष में फिर से फंस सकते हैं, इससे उन्हें हाल ही में मिली स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, देखिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, और ना ही किसी पार्टी को, और फिर भी आपको अगर, क्योंकि ये जो उदाहरण है शायद हो सकता है आप उसके अंधभक्त हो, भक्त हो, तो आपको बुरा लग सकता है। सिंधिया को ले लीजिए, आप देखते हैं कि सिंधिया, आप आज भी आप लोग इतिहास पढ़ते हैं विस्तार से, तो उसमें एक शब्द आपको लिखा मिलता है, गद्दार था सिंधिया,
मिलता है नहीं, झांसी लक्ष्मी बाई को मरवाया उसने, और आप कई तरह के सुनते रहते हैं, अंग्रेजों का साथ भी दिया उन्होंने, तो गद्दार शब्द आप ये इतना क्लियर है कि जब तक इतिहास रहेगा हमारा तब तक ये शब्द उनके नाम के आगे जुड़ा रहेगा। अब आप सोचिए कि अभी किसने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी नाम हो, इन्होंने क्या किया कि देखिए जनता ने चुना था आपको, समझ रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि तोड़ मरोड़ के जनता को एक तरह से आप कहिए धोखा, क्योंकि चुनाव उपचुनाव होंगे किसका पैसा खर्च हुआ, जनता का, और बीजेपी से खुश नहीं थी इसीलिए तो कांग्रेस को वोट दिया था, समझ रहे हैं आप लोग। और आप सोचिए कि उससे पहले आप अतिथियों की, शिक्षकों की भर्ती की, पुलिस पुलिस एमबीपीएससी इस तरह के जो भी किसान आंदोलन करने की बात करते रहते थे, लेकिन उसके बाद देखिए आप लोग जब से इनकी मतलब ये सिंधिया बीजेपी में गए हुए हैं उसके बाद भी तो कई स्थितियां मध्य प्रदेश में घटी एमपी में, लेकिन इन्होंने आवाज नहीं उठाई, तो एक अलग मैटर है। लेकिन इनके नाम के आगे क्या लग गया, गद्दार। अभी कई लोग बोल रहे हैं गद्दार हैं, जनता के साथ गद्दारी की है, तो 1857 की स्थिति के बाद आप देख सकते हैं ये क्या करते कि ये ऐसा कर सकते थे कि एक नई पार्टी बनाते और जनता के साथ जुड़ के उनका सहयोग करते, जनता स्टूडेंट जो भी रहे, मुझे लगता था कि ये सफल भी हो सकते थे, इनके पास पैसा काफी है। तो आप समझिए कि पहले इन्होंने गुलामी की, पहले इन्होंने गद्दारी की और अब ये गद्दारी कर बैठे। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि उस समय आप सोचिए कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, और अगर हम इस समय अगर आप सोचिए चाइना सॉरी रूस या सोवियत संघ जिसे कहते हैं आप लोग कहते थे उसके साथ या अमेरिका के साथ हम किसी एक ही भी एक किसी पक्ष में जाते तो हम एक तरह से उनके नीचे रहते और गुलाम बन के रहते, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये क्या किया कि एक बीच का रास्ता चुना, गुट निरपेक्षता का, नैम का, ठीक है। इसलिए उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन नवीन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश अमेरिका या सोवियत संघ के समूह से दूर थे, इनका कोई लेना देना नहीं था सीधे उद्देश्य से, ठीक है। भारत ने भी अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के तत्वों को अपनाया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया ताकि अमेरिका व सोवियत संघ के बीच किसी भी तरह के संघर्ष से दूर रहकर देश के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसके अतिरिक्त भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर अपनी विदेश नीति में काफी हद तक स्वतंत्रता को सुनिश्चित भी किया है। भारत का किसी से कोई लेना देना नहीं था। और याद रखिए मेरा मानना है कि कोई भी उदाहरण लेना पड़ेगा आपको अगर समझने के लिए तो आप ले सकते हैं। इसमें गलत क्या है, उस समय भी तो आप सोचिए जनता के साथ एक तरह से गद्दारी ही थी, धोखा ही तो था कि जनता, आप सोचिए अंग्रेजों से लड़ रही थी, आप लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, इस समय आप देखिए कि जनता को पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने वोट नहीं, मतदान नहीं किया उनके लिए, और आपने जाके जनता के एक तरह से वोट का कोई महत्व नहीं समझा, आप जाकर मिल गए सरकार बनवा दी, तो मुझे तो लगता है जनता के साथ धोखा है, ठीक है। गौरतलब है कि सन 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। याद रखिए 1961 में पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बाद इसमें लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ती रही क्योंकि अलग अलग क्या हुए कि जुड़ते रहे, ठीक है, अलग सदस्य। इस समय भारत सहित गुट निरपेक्ष आंदोलन के 120 विकासशील देश सदस्य इसमें। इसके अलावा इस समूह में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समूह में 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों और 17 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा भी मिला हुआ है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि EUNO के साथ के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच भी है। याद रखिए जो भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में आप लोग बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, आपकी जो महत्वपूर्ण संगठनों की प्लेलिस्ट सूची बनी हुई ना उसी में सभी डले हुए हैं, और अगर कोई छोटा हो तो बताइएगा उसे भी कवर करवा दूंगा। अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। शीत युद्ध की राजनीति में शामिल नहीं होना और अमेरिका या सोवियत संघ के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। जो देश अभी उपनिवेशवाद से आजाद हुए उनकी स्वतंत्रता का अनुरक्षण करना और जो देश अभी उपनिवेशवाद के चंगुल से नहीं निकल पाए हैं उनकी आजादी के लिए प्रयत्न करना। सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना।
वैश्विक स्तर पर सैन्य संघर्षों को हतोत्साहित करना और इससे दूरी भी बनाए रखना, रंगभेद की नीति का विरोध करना। गौरतलब है कि उस समय दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में रंगभेद की नीति काफी तीव्र थी। अभी भी आप देखते हैं अमेरिका में इस तरह की रंगभेद के कई बार आप मामले सुनते रहते हैं। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण पर बल देना एक तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। अब बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या हुआ। सोवियत संघ का विघटन आप जानते हैं 1990-91 में हुआ था और 90 के दशक आते आते गुटनिरपेक्ष के अधिकतर उद्देश्य अप्रासंगिक हो चले थे, क्योंकि आप समझिए कि उस परिस्थिति को, जो उस समय की परिस्थिति बनी हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका निर्माण किया था, गठन किया था। वो परिस्थिति ही खत्म हो गई तो उसका आप समझिए कि प्रभाव, जो भी उद्देश्य था, वो अप्रासंगिक होते चले गए। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की किसी भी गुट ग्रुप में न शामिल होने का उद्देश्य लक्ष्य अप्रासंगिक हो गया। आप समझिए कि एक समय आप समझते थे कि, आप सोचिए कि 1958 57 58 की क्रांति को ले लीजिए आप लोग, तो उस समय हमारे पास इतने हथियार नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने देखा है कि विफल होते गए हम लोग। आज आप सोचिए कि हमारी सेना को उसी तरह रखा जाए तो शायद है कि हमें, मतलब हर देश हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोचेगा, पाकिस्तान भी आग दिखाने लगेगा। तो आज हम अपनी सेना को नए नई तरह से, एक तरह से गठन भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे आप देख रहे हैं हथियार दिए जा रहे हैं उन्हें, आप सोचिए जेट विमान भी दिए जा रहे हैं, लड़ाकू विमान भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके सामने, दिए जा रहे हैं उन्हें, समझ रहे हैं। तो यही सब है। 90 के दशक तक विश्व के सभी देश स्वतंत्र हो चुके थे। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरोध का लक्ष्य प्रासंगिक हो गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था कि सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु संपन्न देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण के बजाय अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश ही परमाणु परीक्षणों को अंजाम दे रहे थे। भारत में भी आपने देखा है ना, भारत ने भी परमाणु परीक्षण किए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत की स्थिति की बात करें अगर हम लोग, तो भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख देश था, देश है अभी भी, क्योंकि चल रहा है। अतः इस आंदोलन की स्थापना के बाद से ही भारत इसके सिद्धांतों का पालन करता आया है। हालांकि कुछ देशों ने भारत के परमाणु परीक्षण और सोवियत संघ से आपसी मित्रता संधि को लेकर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि एक समय था, आप समझते हैं कि रूस से हमारे अच्छे मित्रता थी। 1971 का युद्ध देखिए, उस समय हमारे साथ, हमारे पक्ष में क्या था, रूस था, और अमेरिका किसके पक्ष में था, चाइना, और आप देखेंगे पाकिस्तान के पक्ष में था। आज परिस्थिति बदलती दिखाई दे रही है। चीन का मतलब, चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकाव किसका है, सोवियत संघ यानी कि रूस का, आज के रूस का, और अमेरिका हमारी तरफ एक तरह से झुकाव रख रहा है, और अमेरिका का हमारी तरफ या हमारा अमेरिका से मित्रता करना ही, रूस का चाइना और पाकिस्तान का सहयोग एक तरह से देना है, क्योंकि आप समझिए रूस एक भरोसेदार मित्र है और अमेरिका एक मतलब ही दोस्त है। एक समय आप जानते हैं कि चीन से कितनी अच्छी मित्रता हुआ करती थी, लेकिन आज अगर चीन को रोकना है तो उसे भारत की मदद चाहिए, इसलिए आपके पक्ष में खड़ा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि खुशियां मनाने लगते हैं कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका बहुत शक्तिशाली अमेरिका नहीं रहा, ये गलत फहमी है आप लोगों को अगर है तो, ठीक है। अब आप देखिए, चाहे ईरान का मामला ले लीजिए, अफगानिस्तान का मामला ले लीजिए, मुंह की खानी पड़ी एक तरह से और निकल गए अपने, तो ये हाल है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बाद से इसके शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री भाग लेते आ रहे थे, किंतु वर्ष 2016 और 18 में भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नेम के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो ऐसा माना जाने लगा कि शायद भारत के लिए नेम का महत्व कम हो गया है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दरमियान नेम के मई 2020 में आयोजित आभासी शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया, अभी जो 2020 में हुआ इसमें भाग लिया है। 90 के दशक के बाद भारतीय विदेश नीति की बात करेंगे हम लोग, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से विचलन। 90 के दशक में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम कमजोर पड़ा तो भारतीय विदेश नीति में इस आंदोलन का महत्व भी कम हो गया, अर्थात अब यह भारत की विदेश नीति का प्रमुख तत्व नहीं रह गया। नेम के तत्व की जगह देश की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता पर बल दिया गया, क्योंकि
किंतु चाहे नेम हो या फिर रणनीतिक स्वायत्तता, दोनों में ही एंट्री यूएसए की झलक देखने को मिलती थी। अतः विशेषज्ञ इस नीति को भी उपयुक्त नहीं मानने लगे। ठीक है, इसके बाद सरकार ने मल्टी अलाइनमेंट पर जोर दिया, अर्थात भारत अपने हितों के मुताबिक कई संगठनों में शामिल होने लगा। लेकिन इससे भारत की छवि एक अवसरवादी देश के रूप में रूपांतरित होने का खतरा व्याप्त हो गया। मल्टी अलाइनमेंट के बाद मुद्दा आधारित साझेदारी या गठबंधन पर जोर दिया गया, लेकिन भारत की विदेश नीति का यह तत्व भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमारी विदेश नीति में एडवांसिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इन्फ्लुएंस के तत्वों को प्रमुखता से अपनाया जाएगा। हालांकि विदेश मंत्री ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय विदेश नीति में नेम के तत्व पर कम बल देने का यह तात्पर्य नहीं है कि भारत किसी गठबंधन का हिस्सा होने जा रहा है। फिलहाल भारत किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन आप सोचिए कि नेम को हम लोग जिस तरह से महत्व देते थे 1990 के पहले और या अभी तक, तो हम वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ विशेषज्ञों की अगर हम बात माने तो अभी जिस तरह के लद्दाख में हालत है, उन्हें देखते हुए भारत को अपनी झिझक छोड़कर पूरी तरह से अमेरिका के गुट में शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि भारत सरकार अभी भी इस मामले में किसी भी तरह की जल्दीबाजी में नहीं है, और मुझे लगता है, देखिए आप लोगों को क्या लगता है आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने आप में पहले सुधार करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे कोई भी पड़ोसी देशों, देख लीजिए एक बार, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पड़ोसी श्रीलंका हो गया, ये म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आप ये नहीं बता सकते हैं कि अभी किसी भी देश से हमारे अच्छे खासे मित्रता हो। अभी आप देख रहे हैं नेपाल से भिड़ी हुई है, पाकिस्तान से भिड़ी हुई है, श्रीलंका में जो नई सरकार बनी है उसका झुकाव चीन की तरफ है, बांग्लादेश में आप देखेंगे कि चीन कितनी बड़ी, बहुत बड़ी मात्रा में एक तरह से यहाँ भी निवेश कर रहा है। तो हमारी कोई खास मित्रता नहीं है किसी भी से, समझ रहे हैं, ज्यादा अच्छी किसी से नहीं। नेपाल की भाषा आप समझ रहे हैं किस तरह से बात कर रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तब शक्ति के आधार पर विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, लेकिन वर्तमान वैश्विक राजनीति में हुए परिवर्तन ने विश्व को बहुध्रुवीय बना दिया है। क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता एवं भूमंडलीकरण के कारण राष्ट्रों के बीच में निर्भरता को बढ़ावा दिया है, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मुख्य विषय वस्तु के तत्व को कमजोर कर दिया है। बहुत सारे वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के मध्य न केवल व्यापक असहमति है, बल्कि कई सारे सदस्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल मूल मूल्यों को तिलांजलि देते हुए कई क्षेत्रीय एवं प्रतिस्पर्धी और गुटों में शामिल हो गए। यूरोपीय यूनियन जहां आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप एकीकृत हो रहा है, वहीं दक्षिण एशिया में आसियान सार्क जैसे गुट सक्रिय हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान की समस्याओं को लेकर भी गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्याओं पर इस समूह का कोई खास एजेंडा भी नहीं दिख रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों अपने आपसी मतभेदों को दूर भी करने में नाकाम रहे हैं, जिससे सदस्य देशों में संगठन के प्रति आकर्षण कम हो गया है। उदाहरण के लिए इराक ईरान युद्ध, भारत चीन के मध्य जो मतभेद है, इन्हें एक तरह से इनका कोई सॉल्यूशन या समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। इसके द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका रखने वाले देशों में कई अवसरों पर गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों से समझौता किया है। उदाहरण के लिए भारत द्वारा परमाणु परीक्षा, अमेरिकी सैन्य समझौता, क्वाड, भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया समझौता, यानी कि इसे क्वाड कहते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिए, अगर हम लोग परमाणु परीक्षण ना करते और हम लोग, आप सोचिए कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो इसमें जो भी आधार रखे गए थे उन्हीं आधारों पर हम चलते, तो आज हम लोग इतने ताकतवर ना बन पाते, समझ रहे हैं, कई देश हमारे ऊपर एक तरह से हावी रहते। तो देखिए परिस्थिति के साथ बदलना चाहिए, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मत, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई संस्थाएं अस्तित्व में आई, लेकिन धीरे धीरे यह संस्थान बदलते वैश्विक परिवेश में स्वयं को ढालने में ना केवल असफल साबित हुई बल्कि विश्व को अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में इनकी
विफलता भी सामने आई, जिससे सदस्य देशों में संगठनों के प्रति काफी रोष व्याप्त हुआ और इसे निम्न तरीकों से समझा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कई मुद्दों पर युद्ध रोकने में न केवल असफल हुआ है, वहीं बदलते वैश्विक परिवेश के अनुसार इसमें अपने संगठन के ढांचे एवं पारदर्शिता में अपेक्षित सुधार नहीं किया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, इसमें आप देखते हैं कि हमेशा सुधार करने की बात की जा रही है, ठीक है। COVID-19 महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया, और अमेरिका इसीलिए आप देख रहे हैं कि इससे निकल भी गया है, बाहर भी हो गया है, क्योंकि आप देखिए कि आपका काम है कि जो आपके काम है एक तरह से, जो आपका काम करने का एक तरह से कर्तव्य है, उससे आपका दूर दूर तक कोई लेना देना ना रहा। चाइना का आपने देखा है कि WHO ने काफी हद तक साथ भी दिया है, तो इससे भी एक तरह से अपना काम नहीं कर रहे। वही है कि हमारी पुलिस व्यवस्था को आप देखते हैं कि जिसे हम लोग अपना रक्षक समझते थे, आज कई जगह आपको देखने को मिलेगा वही रक्षक निकल रही है। हम अपने नेताओं को आज के और उस समय के नेताओं को देख सकते हैं कि कहने का सीधा सा मतलब है कि ये उस समय के नेताओं की, समझिए लाल बहादुर शास्त्री की, खाद्यान्न में अगर हम लोग आत्मनिर्भर हुए तो एक तरह से आप कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री की देन है। आप समझ रहे हैं, उस समय के नेताओं के पास अपनी घर स्वयं की, मतलब एक समझिए कि कार खरीदने की क्षमता नहीं रहती थी। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना कि उनके पास एक कार नहीं थी, उन्होंने जैसे तैसे एक कार खरीदी तो वो अपने जीते ही उसका भुगतान नहीं कर पाए। और आज के नेताओं को देखिए, छोड़िए आप विधायक मंत्री और लोकसभा राज्यसभा सदस्यों को छोड़िए, आप एक सरपंच को ले लीजिए, तो समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि जो इनके कर्तव्य है उनसे इनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। मीडिया को देख लीजिए, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा है मीडिया? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, G20 इत्यादि जैसे संगठनों की महामारी, वैश्विक मंदी इत्यादि जैसे मुद्दों पर अप्रभावी साबित हुए हैं। वैश्विक संगठनों की असफलता से मोहभंग हुए राष्ट्रों को तमाम वैश्विक मुद्दों पर एक साथ लाने के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि 120 सदस्य देशों के साथ इस संगठन का आधार बहुत ही व्यापक है। निम्न वैश्विक मुद्दों के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को समझा जा सकता है, जो कि भारत के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अन्य देशों के लिए है। जैसे दुनिया से गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन में आप देखते हैं भारत में भी ये देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन पर एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में, आतंकवाद, मादक पदार्थ और मानव तस्करी जैसे अपराधों को दूर करने में, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा एवं क्षेत्रीय गुटबाजी को रोकने में, गरीब देशों को नव साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने हेतु, ये सभी आप देख रहे हैं कि भारत में भी लगभग सब कुछ व्याप्त है। लास्ट में आप लोग कह सकते हैं कि वर्तमान में मानवता कई दशकों के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। इस समय गुटनिरपेक्ष देश वैश्विक एकजुटता को प्रोत्साहन करने में सहायक हो सकते हैं। गुटनिरपेक्ष देश हमेशा विश्व का नैतिक स्वर रहे हैं, और इस भूमिका को निभाने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों को समावेशी रहना होगा। COVID-19 महामारी से उबरने के बाद दुनिया को वैश्वीकरण की एक नई व्यवस्था की आवश्यकता होगी। COVID-19 ने हमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सीमाओं से परिचित कराया है। COVID-19 से उबरने के बाद के विश्व में हमें पारदर्शिता, समानता और मानवता पर आधारित वैश्वीकरण की नई व्यवस्था की आवश्यकता होगी। हमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता है जो आज के विश्व का बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके। इसके अलावा आप देखेंगे आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष देशों को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए और अधिक सक्रिय सजग भूमिका निर्वाह करना होगा। गुटनिरपेक्ष देशों के निःशक्तिकरण की भावना को प्रोत्साहित करते हुए अविकसित देशों में हस्तक्षेप की नीति को कम करने का प्रयास भी करना होगा। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में गुटनिरपेक्ष देशों को विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा। शीत युद्ध में वारसा पैक्ट की समाप्ति के पश्चात गुटनिरपेक्षता का कोई ठोस राजनीतिक महत्व नहीं रह गया है, इसलिए इन राष्ट्रों को अपनी सार्थकता बनाए रखने के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशील करने की आवश्यकता भी है। भारत को केवल आर्थिक उन्नति ही नहीं बल्कि मानव कल्याण को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत ने लंबे समय तक इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना भी किया है।
वोट निरपेक्ष आंदोलन को सशक्त बनाने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण भी रही है एवं भारत को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि गुट निरपेक्ष देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत की विदेश नीति की। तो आपके लिए काफी पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। आप आराम से, आप देखें 200 से 250 शब्द आराम से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक।